आज बनाने जा रहे हैं मछली की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो यहाँ पर हमने लगभग सभी तैयारियाँ कर ली हैं, आप भी कर लीजिएगा जिससे सब्जी फटाफट बन जाती है। तो यहाँ हमने 1 किलो मछली ली है, उनको अच्छे से साफ कर लिया है। और ये है लहसुन, स्वाद के मुताबिक मिर्च, अदरक और इतना प्याज, इसको हमने अच्छे से साफ करके इस तरह से कट किया है। अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। तो मसाला आप सबसे पहले रेडी कर लीजिएगा जिससे सब्जी जो है बहुत जल्दी बन जाती है। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी जिससे पीसने में इसको आसानी हो। तो ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पीसने भर का पानी इसमें डाल दीजिए। चलिए अब इसको हम पीसते हैं। मसाला जो है पीसकर तैयार हो गया है। तो इसको एक अलग बर्तन में इसको हम निकाल लेते हैं। अब इस तरह से मसाला पीसकर तैयार हो गया है, तो इसमें हम कुछ ये पीसे मसाले वगैरह भी डालेंगे। तो ये हल्दी है, नमक स्वाद के मुताबिक, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर, दरदरी कुटी हुई है, घर की कुटी हुई काली मिर्च है हमारी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल देंगे इसमें। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से इसको मिला दिया है, अब इसको हम एक साइड रख देते हैं। अब हमने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है और उसको हमने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब तेल देखिए इस तरह से गर्म हो गया है। तो अब ये जो पीसेज हैं मछली की, ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। बस बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह से पका लेंगे। और इसको हम फटाफट अलग में निकाल लेते हैं। तो थोड़ा इसका तेल भी आप हटा दीजिएगा और इस तरह से करके एक अलग प्लेट पर आप निकाल निकाल कर रखते जाइए इस तरह से। इस तरह से हम सभी पीसेस जो है फटाफट तल लेते हैं। अब ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इनको तल लिया है। देर नहीं लगती तलने में, फटाफट तल जाती हैं। तो अब इसको एक साइड रख देते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो हम हटा लेते हैं। इतना तेल हमने लिया है तो अब इसमें हम अच्छे से मसाला बनाते हैं। यहाँ पर आप अगर खड़ा मसाला पसंद करते हो तो आप ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है और ये दालचीनी है, जावित्री है, मतलब इसमें जो जो भी आपको खड़े मसाले लेने हो तो ले लीजिए। स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब तेल तो हमारा गर्म है तो इसको हम इसमें डाल दें। आप इसकी फ्लेम को एकदम से धीमा कर दीजिए और ये जो हमने मसाला तैयार किया था इसको हम इसमें डाल के अच्छे से पका लेते हैं। अब ये देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप इसमें उतना ही डालिएगा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम इतना पानी डाल रहे हैं और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब इसमें एक अच्छे से उबाल आ जाने देते हैं।
अब ये देखिए पानी में उबाल अच्छे से आ गई है, तो अपनी ये जो पीस हैं ये हम इसमें एक एक करके इसमें डाल देंगे। अब इसको हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, बस थोड़ी देर में ही, कम से कम 3 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से अब पक जाती है, क्योंकि पीस हमने तल दी हैं तो ज़्यादा इसमें कुछ अब पकने के लिए बचा नहीं है। तो चलिए फटाफट अपनी पीस जो है ये इसमें हम डाल देते हैं। अभी अच्छे से पक गई है, पीसेज हमारी बहुत अच्छे से पकी हुई समझ में आ रही हैं। तो अब ग्रेवी जो है हमने इतनी रखी हुई है, तो अब हमारी ये रेडी हो गई है। तो इसमें अब थोड़ा सा आप धनिया की पत्ती जो है ये आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए। बहुत आहिस्ता से मिलाइएगा, नहीं तो मछली के जो पीसेज हैं ना ये टूटने लगते हैं। तो अब ये देखिए हमने अच्छे से मिला दिया है, सब्जी हमारी एकदम से रेडी हो गई है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। अब ये देखिए स्वादिष्ट फिश करी बनके रेडी हो गई है। बनाने में बहुत आसान था और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो आप एक बार ज़रूर बनाइए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।